नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठन। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार दोपहर को ढीमरखेड़ा के पंचपेड़ी ग्राम रोजगार सहायक और एक अन्य व्यक्ति को 2000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। डीएसपी जेपी वर्मा ने बताया कि पंचपेड़ी के पकरिया निवासी कालीचरण पिता अमृतलाल लोधी ने लॉकडाउन से पहले ढीमरखेड़ा जनपद की पंचपेड़ी जीआरएस कमलेश कुमार मेहरा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त जारी करने के एवज में 5000 रुपए की राशि मांगे जाने की शिकायत की थी। गुरुवार को पीड़ित कालीचरण ने जीआरएस के घर पहुंचकर 2000 रुपए की राशि दी। जीआरएस ने उक्त राशि एक प्राइवेट व्यक्ति भागचंद चक्रवर्ती को दे दी। 2000 रुपए के साथ लोकायुक्त ने जीआरएस और साथ बैठे एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार कर ग्राम पंचायत भवन में लाकर संबंधित कार्रवाई की। लोकायुक्त ने जीआरएस कमलेश मेहरा के साथ प्राइवेट व्यक्ति भागचंद चक्रवर्ती के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान निरीक्षक स्वप्निल दास, निरीक्षक भूपेंद्र कुमार दीवान, आरक्षक अमित मंडल, विजय सिंह बिष्ट, अंकित दाहिया, दिनेश दुबे, राकेश विश्वकर्मा शामिल रहे। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पकरिया। क्या मामला था आपको, किसको लेकर के आपने शिकायत किया? प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या क्या शिकायत किया? रिश्वत। ये किसकी रिश्वत बोली? कमलेश कुमार है। जी कौन है? रोजगार सहायक। रोजगार सहायक। हाँ, तो इनके क्या मांग की जा रही थी? कितने रुपए की? 5000 मांग रहा था, 2000 दिया। 2000 दिया। ये पहली बार आपने दिया? जी। अब शिकायत कहाँ, शिकायत आप कहाँ कैसे जाके की? जबलपुर लोकल। कब किया था आपने? पहले लॉकडाउन।